वेलकम टू ऑल इंजीनियर्स। लास्ट क्लास में हम लोग एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर के बारे में पढ़े थे। अब वहां पर एयर ही हमारा एक्सटिंग्विशिंग मीडियम था, लेकिन उसका एक पॉइंट था कि उसको हम लोग ज्यादा वोल्टेज में नहीं यूज कर सकते थे, 442 11 किलो वोल्ट। ठीक है, कारण ये है कि वहां पे जो हमारा जो आर्क को क्वेंच करने का जो मीडियम है वो एयर है ना, और एयर का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो होता है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। मतलब कि अगर एक सेंटीमीटर का गैप हो और उसके बीच में अगर 30 किलो वोल्ट का, मतलब जैसे कि एक सेंटीमीटर का ये गैप है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर 30 किलो वोल्ट तक का अगर वोल्टेज होगा तब तो ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन अगर या तो गैप कम हो जाए या वोल्टेज ज्यादा हो जाए तो ब्रेकडाउन हो सकता है। अब एक्चुअली जो ब्रेकर्स होते हैं उसमें जनरली जो मूविंग कॉन्टेक्ट और फिक्स्ड कॉन्टेक्ट के बीच में जो गैप बनता है वो जनरली 5 to 10 mm के बीच में होता है। ठीक है, 10 mm मतलब 1 सेंटीमीटर। अब अगर सपोज गैप इसके बीच में कुछ है और जो एयर का ब्रेकडाउन वैल्यू है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है, जैसे जैसे गैप घटता है वैसे वैसे वो घटता है, तो हायर वोल्टेज के लिए क्या हो जाएगा? अगर 33 किलो वोल्ट को उसको यूज करेंगे यही एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को, तो जो गैप जो बन रहा है उसमें जो एयर हम यूज कर रहे हैं, जैसा आप पिछला कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि एयर वो आर्क बन रहा है एयर में और वो ऊपर जा रहा है ना, वो ऊपर जा रहा है और स्प्लिट हो रहा है, कूल हो रहा है। लेकिन अगर आपका वोल्टेज कम है तब तो ठीक है, वो ऊपर चला जाएगा, कूल हो जाएगा। बट अगर वोल्टेज हाई है और एयर है तो वो आर्क कभी खत्म ही नहीं होगा, वो कंटिन्यूअसली बनता रहेगा क्योंकि एयर आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा और होते रहेगा, वोल्टेज मेंटेन्ड है, ब्रेकडाउन होते रहेगा। 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर ही है, आप वोल्टेज दे रहे हैं 33 किलो वोल्ट और गैप उसका 1 सेंटीमीटर है या उससे भी कम है, तो एयर हमेशा ब्रेकडाउन में रहेगा, वो आर कभी नहीं पहुंचेगा आपका। तो इसके कारण हम उसको लार्ज वोल्टेज में यूज नहीं कर सकते एयर को एज ए आर्क क्वेंचिंग मीडियम, नॉर्मल एयर को, है ना, क्योंकि एयर आ जाएगा बीच में और एयर खुद ब्रेकडाउन होता रहेगा वोल्टेज अगर हाई है तो। तो उसके बाद आया वायल सर्किट ब्रेकर, जो हम लोग पढ़ेंगे, अगला टॉपिक हमारा वही होगा। वायल सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज के लिए बहुत अच्छा था, एयर से अच्छी उसकी डायरेक्टर की स्ट्रेंथ होती है ना, ब्रेकडाउन वैल्यू ये होता है, अच्छा होता है उसका, सब कुछ उसमें अच्छा था। बट उसमें भी कुछ डिमेरिट्स थे, जैसे जब भी उसमें वायर सर्किट ब्रेकर में जब भी फॉल्ट होता था, आर्क प्रोड्यूस होता था, तो वायर के जो कार्बन पार्टिकल्स हैं वो जलते थे और कार्बनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिससे कि वायर बर्न होकर के कार्बन में कन्वर्ट होता है। और वो दो डिमेरिट होता है उससे, एक तो ये होता है कि नीचे में कचरा के टाइप का जम जाता है ना, स्लज जिसको कहते हैं, और दूसरा ये कि कंटिन्यूसली इसके बनने से वायल का जो BDV वैल्यू है, ब्रेकडाउन वैल्यू, BDV या डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी, वो भी घटता है कंटिन्यूअस रिएक्शन होने से, कार्बन पार्टिकल्स बनने से वायल की BDV वैल्यू कम होती है, कम होती चली जाती है। इसका मतलब है कि आपको फ्रिक्वेंटली वायल को या तो फिल्टर कराना पड़ेगा या तो चेंज करना पड़ेगा, तो ये फ्रिक्वेंट मेंटेनेंस का इशू है। दूसरा थोड़ा सेफ भी नहीं है क्योंकि वायल है, आर्क लग के लीकेज वगैरह हो तो आग भी लग सकती है, सेफ्टी इशू है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है, लीकेज वगैरह एक अपने आप में एक प्रॉब्लम है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम्स थे वायल के साथ। और उस समय तक वैक्यूम और SF6 वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, तो वायल के साथ ये प्रॉब्लम्स था, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो सबसे अच्छा है एयर, बट एयर का बात वही है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, तो लोगों ने सोचा कि कोई और गैस को यूज किया जाए,
ना वाइल के जगह पर, ताकि वो सब बीडीवी कम ना हो, ये सब प्रॉब्लम ना है। तो लोगों ने कई सारे ऑप्शंस को ट्राई किया, जैसे एक नाइट्रोजन गैस होता है N2, इसको लोगों ने सोचा तो नाइट्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो लगभग एयर के ही जैसे हैं, उसका ब्रेकडाउन वैल्यू और ये थोड़ा बहुत ही डिफरेंस है, अंतर है ज्यादा है इसका, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसको लेने से कोई फायदा ही नहीं है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, कॉस्ट अलग बढ़ेगा। उसके बाद एक ऑप्शन आया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको यूज कर ले, इसकी अर्थ क्वेंचिंग प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है इसका, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि जब भी ये किसी छोटे एरिया से, रिस्ट्रिक्टेड एरिया से पास करता है, पतला रास्ता से पास करता है, तो ये फ्रीज हो जाता है और उस रास्ते को ब्लॉक कर देता है ना, फ्रीजिंग एंड ब्लॉकिंग, इसका ये एक प्रॉब्लम है, तो इसको भी लोगों ने फिर नकारा। थर्ड, क्योंकि हम लोग देखेंगे एयर ब्लास्ट में कि छोटे से रास्ते से उसको पास कराना होगा, है ना। थर्ड एक और भी जो है वो है आपको H2, हाइड्रोजन गैस के बारे में भी लोगों ने सोचा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं, एयर से बहुत अच्छा है ना, बट इसके साथ भी प्रॉब्लम है कि कॉस्ट ना, कॉस्ट ज्यादा है इसका। और इसके अलावा एक और भी है फ्रियोन, फ्रियोन गैस जो फ्रीजेस वगैरह में यूज होता है, इसका भी कॉस्ट का इशू है। लेकिन एक और भी इशू है कि जब इसमें आर्क बनने पर जो केमिकल रिएक्शन होगा उससे बनेगा किसी टाइप का एसिड, एसिड बनेगा और ये एसिड फिर क्या करेगा, कोरोजन करेगा। तो ये जो गैसेस हैं इन गैसेस से काम चलने वाला नहीं है। फिर एक और चीज सामने आई, एक ग्राफ सामने आया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एयर का, ये एयर का ग्राफ है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और प्रेशर के बीच का, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और प्रेशर के बीच का जो एयर का ग्राफ आया वो कुछ इस तरह से था कि इनिशियली अगर हम एयर के प्रेशर को बढ़ाएं तो अप टू 10^-3 बार पर सेंटीमीटर, या इस तरह से केजी पर सेंट बार पर सेंटीमीटर, 10^-3 तक तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटता है एयर का, बट आफ्टर दैट इसके बाद अगर आप प्रेशर बढ़ाएं तो 10^-2, 10^-1 इस तरह से, तो फिर ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एयर, इसका जो डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो बहुत लो वैल्यू से 10^-3 तक तो प्रेशर घटता रहेगा, डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटता रहेगा, लेकिन 10^-3 से अगर आप और कम करें, मतलब और बढ़ाएंगे प्रेशर, 10^-3 से -2 किए, फिर -1 किए, फिर 1 करेंगे, और अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो डायरेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, काफी तेजी से बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात है ना, कि हम लोग को यही तो चाहिए, हम लोगों को एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा करना है ताकि गैप के बीच में भी वो रहे तो ब्रेकडाउन ना हो, आर्क ना कंटिन्यू। तो ये ही जो कंसेप्ट है इसी कंसेप्ट को यूज करते हैं हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में। एयर ब्लास्ट सर्किट में हम लोग कॉम्प्रेस्ड एयर या प्रेशराइज्ड एयर का यूज करते हैं, है ना, और जनरली उसका जो प्रेशर होता है लगभग 30 ATM के बराबर होता है। आप ध्यान दीजिए, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 ATM है और वहां पे हम लोग 30 ATM का यूज करते हैं। एक कंप्रेसर टैंक होता है, एयर टैंक, जिसमें कि कंप्रेस्ड एयर को रखा जाता है। ये कंप्रेसर टैंक आप देखते होंगे ये बाइक वगैरह में, जो हवा भरने के लिए आप किसी भी दुकान पे जाते तो वहां पर एक हरा रंग का या किसी भी कलर का आपको एक टंकी दिखेगा, कंप्रेसर टैंक है ना, उसमें कंप्रेस करके एयर रहता है। तो ये 30 उसी टाइप का एयर टैंक हमारे पावर स्टेशन में भी होगा, जहां पर भी एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होगा, ठीक है, और उस टैंक में प्रेशर 30 ATM के लगभग लोग मेंटेन करते हैं, और फिर उस एयर के कारण जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ डेवलप होता है उससे बहुत हाई वोल्टेज तक भी हम लोग इससे काम कर सकते हैं। 11 kV से लेकर के आप 11,000 kV तक भी इसके मदद से, मतलब प्रेशर को इंक्रीज करके आप वर्क कर सकते हैं, तो 132 kV पर भी काम कर जाएगा। तो ये बड़ा अच्छा एक ब्रेकर आया
एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, है ना, जिसमें कि एयर के प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करते हैं ताकि हमारा जो आर्क क्वेंचिंग का पर्पस है वो भी हो जाए। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि जब आपका आर्क पूरी तरह से बुझ जाएगा तब दोनों कॉन्टैक्ट के बीच में अगर ये स्ट्राइकिंग वोल्टेज इसकी वैल्यू डबल हो सकती है, तो अगर आपका जो मीडियम है उसका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज तो फिर से आर्क को बना देगा, है ना। तो डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मस्ट बी गुड, कम से कम जो वोल्टेज वैल्यू है उसका डबल से ज्यादा तो होना ही चाहिए, है ना, ताकि वो रीस्ट्राइकिंग के कारण फिर से आर्क बने ना। तो एयर ब्लास्ट ने इन सभी चीजों को फुलफिल किया और इनको ये किया। इसके कई सारे एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि लार्ज वोल्टेज में यूज कर सकते हैं आप, फास्ट ऑपरेशन है। इसका एक और भी एडवांटेज ये है कि द ऑपरेटिंग टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ फॉल्ट करंट। फॉल्ट करंट की वैल्यू चाहे 1000 एम्पियर हो चाहे 10000 एम्पियर हो, इसमें ऑपरेटिंग टाइम उतना ही लगेगा। जैसे कि हम लोग देखेंगे कुछ रिलेज में या कुछ ब्रेकर्स में, इस तरह से हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटिंग टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फॉल्ट करंट के, है ना। फॉल्ट करंट जितना ज्यादा होगा ऑपरेटिंग टाइम उतना कम होगा या ज्यादा होगा, इस तरह से। बट एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर के लिए जो ऑपरेटिंग टाइम है वो IF से इंडिपेंडेंट है, फॉल्ट करंट कितना भी हो ऑपरेटिंग टाइम उतना ही है। कैसे होगा ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, इसका जब हम लोग वर्किंग देखेंगे तो इसको देखेंगे। उसके बाद फायर हैजार्ड वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ऑटो रिक्लोजर फैसिलिटी है, वो हम लोग देखेंगे जब ऑटो रिक्लोजर पढ़ेंगे तब, कि कैसे ऑटो रिक्लोजर होता क्या है, तो वहां पे पढ़ेंगे। तो आप यहाँ बाद में यहाँ पे कोरिलेट करके देख लेंगे, अच्छा इसमें हो सकता है। तो ये है, फिर और भी एडवांटेजेस हैं कई सारे, वो सब आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो अब आइए देखिए, इसके दो टाइप हैं, है ना, इसके दो टाइप हैं। एक है एक्सियल ब्लास्ट जिसमें कि मूविंग कॉन्टेक्ट और फिक्स कॉन्टेक्ट के एक्सिस में ही एयर का फोर्स जाता है, उसके एक्सिस में ही फोर्स जाता है, एक्सियल ब्लास्ट। ये हायर वोल्टेज के लिए बहुत अच्छा है, हायर वोल्टेज के लिए काफी अच्छा है। और दूसरा होता है क्रॉस ब्लास्ट, जो कि बहुत तो नहीं कहेंगे बट फिर भी एयर ब्रेक से मिलता जुलता है क्रॉस ब्लास्ट। ये 15 किलो वोल्ट तक ही यूज होता है एंड फॉर हाई करंट और 15 किलो वोल्ट तक में इसका यूज है क्रॉस ब्लास्ट का। और एक्सियल ब्लास्ट का हाई वोल्टेज में यूज कर सकते हैं, आप देखेंगे इसका वर्किंग जब देखेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सियल ब्लास्ट टाइप सर्किट ब्रेकर। देखिए एक्सियल ब्लास्ट टाइप सर्किट ब्रेकर को समझने के लिए हम लोग इसको तीन स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले तो आप इस फिगर को देखिए, ये है नॉर्मल ऑपरेशन का फिगर, ठीक है। इसमें पूरा मैंने पूरा ओवरव्यू नहीं बनाया बट मेनली जो अंदर की चीजें हैं उनको मैंने बनाया। ये है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, है ना, ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, ये नहीं मूव होगा, ठीक है। और ये दोनों जो है ये दोनों मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये मूव होते हैं, ठीक है। और नॉर्मल, और ये क्या है, ये स्प्रिंग है, और ये इंसुलेशन जो बाहर से होता है जो आपको बाहर से दिखता है, ठीक है ना, बाहर से आपको ये बाहर से ब्राउन ब्राउन रंग का ये दिखता है, वो है बाहर वाला इंसुलेशन। ये अंदर में स्प्रिंग है, ये अंदर में स्प्रिंग है, ये अंदर में फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है, और ये दोनों मूविंग कॉन्टैक्ट है। नॉर्मल कंडीशन में यहां से करंट आएगा और इधर से निकल जाएगा, है ना, इधर से चाहे इधर से कहीं से भी निकाल सकते हैं, इधर से करंट आएगा इधर से निकल जाएगा, ठीक है। और यहां मैंने इधर नहीं बनाया बट इसको अगर हम बनाएं तो आप कह सकते हैं कि कुछ इस टाइप का, अगर इधर बनाएं तो ये ऐसे रहता है, है ना, और इसमें यहां पे ये तो ऐसे रहेगा और बीच में यहां पे ऊपर तो ऐसे क्लोज्ड रहेगा, ऊपर तो क्लोज्ड ही रहेगा, यहां पे नीचे में यहां पर एक वॉल्व होता है और उसके नीचे होता है टैंक आपका, एयर प्रेशर टैंक, एयर
प्रेशर टैंक या कंप्रेसर टैंक आपका सर। तो ये वॉल्व है, ये एयर प्रेशर टैंक है और ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है और ये मूविंग कॉन्टेक्ट है। इधर से करंट आएगा और इधर से आउटपुट चला जाएगा नॉर्मल कंडीशन। यहां पर एक पोर्ट है, मतलब इंसुलेटर में छोटा सा छेद है ना, जिससे कि एयर अंदर से बाहर निकल सकता है। अब होता क्या है कि जब फॉल्ट आता है, जब कोई भी फॉल्ट आएगा तो सीटी सेंस करके रिले को देगा इंफॉर्मेशन और रिले एक आउटपुट देगा इस तरह से, या इस तरह से कुछ चीजें होंगी। ये जो वॉल्व है, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा आपका, है ना, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वॉल्व जैसे ही ओपन होगा वैसे ही यहां से ये जो एयर प्रेशर टैंक है, इसमें एक तो इधर से निकलने के लिए एयर है ही, एक यहां पर एग्जिट वॉल्व भी होता है, इसको भी आप खींच करके एयर को निकाल सकते हैं थोड़ा सा, है ना, अगर प्रेशर हाई है, या आप देखेंगे क्यों निकालते हैं, यहां से भी इसको खींच के निकाल सकते हैं। अब क्या है कि जब ये एयर प्रेशर टैंक जैसे ही फॉल्ट आएगा, ये वॉल्व ओपन होगा, एयर यहां से काफी प्रेशर से निकल के यहां आएगा, क्योंकि यहां का कोई एयर ही नहीं है और यहां पर पूरा प्रेशराइज्ड है। तब क्या होगा कि वो एयर जब यहां से, मैंने ब्लू से दिखाया, जब एयर यहां से आएगा तो इन मूविंग कॉन्टेक्ट को, दोनों ही जो कॉन्टेक्ट है, दोनों को फोर्स करेगा, प्रेस। और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग इसको इधर से, ये स्प्रिंग इसको इधर ठेले हुए, ये स्प्रिंग प्रेशर है और इधर से आपका एयर प्रेशर है। तो नॉर्मली जब फॉल्ट आता है तो आपका इतना इसमें प्रेशर रखते ही है एयर का, कि एयर प्रेशर इज ग्रेटर देन स्प्रिंग प्रेशर। एयर का जो प्रेशर है वो स्प्रिंग के प्रेशर से ज्यादा है, और एयर प्रेशर जब स्प्रिंग के प्रेशर से ज्यादा होगा तो ये दोनों मूविंग कॉन्टेक्ट इस तरफ मूव होंगे उस तरफ। जैसे ही ये इधर मूव होंगे, है ना, जैसे ही ये इधर मूव होंगे तो यहां पे एक आर्क बनेगा। अगर हम इस आर्क को रेड से दिखाएं तो जैसे ही ये मूव होंगे बस यहां पर एक आर्क बनेगा, इस तरह से जो भी कॉन्टेक्ट से करंट जा रहा हो उसके और मूविंग कॉन्टेक्ट के और फिक्स कॉन्टेक्ट के बीच में आर्क बनेगा, क्योंकि आप इसको करंट जा रहा था फॉल्ट करंट, आप इसको सेपरेट कर रहे हैं, है ना, तो एक यहां पे एक आर्क बनेगा। लेकिन एयर प्रेशर इतना ज्यादा है कि ये इन आर्क को, इन आयंस को सबको ले ले यहां से इस पोर्ट से बाहर निकल जाएगा, है ना, आएगा एयर, आयंस जो भी बना है इसमें उन सबको लेते हुए यहां आएगा और पोर्ट से बाहर निकल जाएगा। तो यहां पे आपका कोई आयन बचेगा ही नहीं। और अब देखिए थोड़ा सा हम यहां पे क्लोज बन गया, बट जब ये मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करता है, है ना, तब थोड़ा एक्चुअली में यहाँ पे फिगर में थोड़ा सा ये हो गया, बट ये इसके और पोर्ट के बीच की दूरी कुछ होती है। सपोज कि हम यहाँ पे इसको फिर से बनाए, सपोज पोर्ट आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो होगा क्या कि जब ये मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करेगा, जब ये मूविंग कॉन्टेक्ट इस तरफ मूव करेगा, तो जब तक मैं ये मूविंग कॉन्टेक्ट स्प्रिंग को दबाते हुए पोर्ट तक पहुंचेगा, जो कि लास्ट फिगर में आप देख रहे हैं कि पोर्ट तक पहुंचा, जब तक मैं ये पोर्ट तक पहुंचेगा उससे पहले ही, मतलब यहां से यहां तक के जाने के बीच में, ये जो एयर है वो उन आयंस को उड़ाते हुए यहां से पोर्ट से बाहर कर देगा कंप्लीटली, ठीक है। और इतने प्रेशर से यहां से निकलता है एयर, उसको कहते हैं सुपरसोनिक स्पीड, काफी तेज स्पीड से यहां से बाहर निकलता है और साउंड भी काफी क्रिएट होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि जब भी इस तरह का ऑपरेशन होता है साउंड काफी क्रिएट होता है, क्योंकि एयर काफी स्पीड से, सुपरसोनिक स्पीड से यहां से निकल रहा है। तो और मतलब यहां से यहां तक के मूवमेंट के बीच में ही यहां पर कोई आयंस बनने ही नहीं दे रहे, जैसे कोई आयन बन रहा है दैट इज कंटिन्यूअस प्रेशर, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये मूविंग कॉन्टेक्ट मूव करके इसको पूरी तरह से ढक लेते हैं,
उसके बाद और नहीं मूव हो सकता है, क्योंकि अब स्प्रिंग प्रेशर, अब स्प्रिंग दबा रहा है, कंटिन्यूसली दबा रहा है, तो स्प्रिंग प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये ऐसे सेट किया जाता है कि ये फाइनली मूव करके इस पोर्ट को आकर के क्लोज कर देगा, यानी इस पोर्ट को आकर के क्लोज कर देगा। अब कोई एयर बाहर नहीं निकल सकता है, पोर्ट क्लोज हो गया, अब कोई भी एयर बाहर नहीं निकल सकता है। अब क्या है कि इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में हाई प्रेशर एयर है, है ना, जो एयर टैंक का प्रेशर है वही यहां का प्रेशर है। तो इन दोनों कॉन्टेक्ट के बीच में हाई मतलब प्रेशराइज्ड एयर है, और हमको पता है कि प्रेशराइज्ड एयर का डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा होता है, जो हमने ग्राफ में लिखा था। तो जब इसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, तो अब रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के कारण भी यहां पे आर्क फिर से बंद नहीं पाएगा, और ये प्रेशराइज्ड एयर यहां पे रहेगा कंटिन्यूअसली, कोई आर्क इसमें बनने वाला नहीं। ठीक है, अब जब ये प्रोसेस आप समझ गए, अब जब दोबारा हमको इसको ऑन करना है ना, दोबारा जब ऑन करना है, ये तो ट्रिप हो गया, ठीक है, फॉल्ट वगैरह जो भी है वो सब क्लियर वगैरह हो गया, दोबारा जब इसको ऑन करना है तो बड़ा सिंपल प्रोसेस है। आप जैसे ही इस यहाँ पे जो एयर प्रेशर टैंक पे जो दूसरा एयर रिलीज वॉल्व है, उसको जैसे ही हम लोग पुल करेंगे, मतलब एयर को हम एटमोस्फेयर में बाहर करेंगे, जैसे ही इसको पुल करेंगे, तो क्या होगा कि प्रेशर घट जाएगा यहाँ का, है ना, यहाँ से हम एयर को रिलीज कर रहे हैं, यहाँ का प्रेशर घट जाएगा। जैसे यहाँ का प्रेशर घटेगा, ये स्प्रिंग वापस इन कॉन्टेक्ट को इधर ला के रख देगा, है ना, स्प्रिंग वापस इन कॉन्टेक्ट को इधर ला के रख देगा, ठीक है, और ये क्लोज हो जाएंगे साइमल्टेनियसली। वॉल्व का वॉल्व भी क्लोज कर लिया जाता है, ताकि मतलब वॉल्व तो ये इस टाइप का है जिससे कि जा रहा है, तो उसको भी क्लोज कर लिया जाता है, तो वॉल्व भी क्लोज कर लिए, मतलब पहले इसको रिलीज किए जिससे कॉन्टेक्ट क्लोज हो गया, उसके बाद फिर वॉल्व को हम बंद कर दिए, ठीक है, और फिर से क्लोजिंग ऑपरेशन, और फिर से दोबारा ये चलेगा। तो ये जो आपका कंप्लीट जो वर्किंग है एक्सियल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का, कुछ इस टाइप का है, यहाँ से फिक्स्ड कॉन्टेक्ट नॉर्मल कंडीशन में करंट यहाँ से आ रहा है, इधर से जा रहा है, स्प्रिंग सब नॉर्मल है। जब फॉल्ट होगा तो ये वॉल्व ओपन होगा ऑटोमेटिकली, वॉल्व ओपन होगा, यहाँ से एयर प्रेशर आएगा, इस मूविंग कॉन्टेक्ट को मूव करेगा, जैसे मूविंग कॉन्टेक्ट मूव होगा यहाँ पे आर्क बनेगा, लेकिन ये हाई प्रेशर एयर आर्क को यहाँ टिकने नहीं देगा, है ना, उसको यहां से मूव कराएगा। जब तक मैं ये कॉन्टेक्ट यहां से मूव करके इस पोर्ट तक आएगा, तब तक मैं जो भी आर्क बन रहा होगा वो सबको बाहर करता रहेगा, सभी आयंस को बाहर करता रहेगा। जब ये मूव करके पोर्ट पे आ जाएगा, तब तक मैं सारा आयन बाहर हो गया रहेगा, और कॉन्टेक्ट के बीच में हाई प्रेशर एयर बना हुआ रहेगा, जो जिसका डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ काफी अच्छा है, तो वो आर्क को दोबारा बनने नहीं देगा, ठीक है। उसके बाद जब आपको इसको क्लोज करना है, तो यहाँ से रिलीज वॉल्व को खोलते हैं, तो ये स्प्रिंग यहाँ का प्रेशर घट जाता है, ये स्प्रिंग दोबारा इसको फोर्स करके चिपका देता है इससे, और उसके बाद वॉल्व बंद कर लेते हैं, फिर इसके प्रेशर को फिर से बढ़ा देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का, ठीक है। नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है क्रॉस ब्लास्ट, देख लेते हैं। ये है आपको क्रॉस ब्लास्ट टाइप, देखिए क्रॉस ब्लास्ट टाइप में जैसे आप देखिए ये मूविंग कॉन्टेक्ट है और ये फिक्स्ड कॉन्टेक्ट है, ठीक है ना, और जब भी फॉल्ट होगा तो दो चीजें होंगी, एक तो एयर कॉम्प्रेशन टैंक का वॉल्व ओपन होगा जिससे आएगा, और दूसरा स्प्रिंग की मदद से मूविंग कॉन्टेक्ट को पुल किया जाएगा, ठीक है। और आप एक्सियल ब्लास्ट में ये देखें कि जब फॉल्ट होता था तो रिले का एयर टैंक का वॉल्व ओपन होता था, और जो मूविंग कॉन्टेक्ट शिफ्ट करता था वो एयर के प्रेशर से ही शिफ्ट करता था, वो एयर के इतना हाई प्रेशर है उसके कारण शिफ्ट करता था, और यहां पर जो मूविंग कॉन्टेक्ट मूव होगा वो स्प्रिंग के प्रेशर से होगा। तो ऑब्वियसली एक्सियल ब्लास्ट में जो सेपरेशन मिलता है कॉन्टेक्ट के बीच में वो ज्यादा मिलता है, तो जब सेपरेशन ज्यादा होगा तो वहां पर आर्क बनाने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, है ना, और सेपरेशन जितना कम होगा तो उसको आयोनाइज करने के लिए उतना कम वोल्टेज पे आने जाएगा। हम कहते हैं कि एयर का ब्रेकडाउन लिमिट है 30 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर, मतलब अगर 1 सेंटीमीटर गैप है तो दोनों के बीच में 30 किलो वोल्ट चाहिए आयोनाइज करने के लिए,
लेकिन अगर गैप कम होगा तो कम वोल्टेज पर ही आयोनाइज हो जाएगा, कम वोल्टेज पे ही आयोनाइज हो जाएगा, ठीक है। तो गैप जितना कम होगा उतने कम वोल्टेज पे आपका मीडियम आयोनाइज हो जाएगा। तो डिफरेंस क्या है दोनों में उसको समझिए कि इसमें स्प्रिंग प्रेशर से जो मूविंग कॉन्टेक्ट पुल होता है उसके कारण यहां पे गैप ज्यादा नहीं बनता है। तो गैप ज्यादा नहीं बनेगा तो कम वोल्टेज पे भी इसमें आर्क बन सकता है, ठीक है। हालांकि हम यहां से एयर कॉम्प्रेस्ड एयर दे रहे हैं जो कि यहां पे आया कॉम्प्रेस्ड एयर आर्क को ऊपर ले जाएगा, है ना। और आर्क ऊपर जाकर के ये जो आर्क स्प्लिटर्स हैं बिल्कुल स्टील के प्लेट जो कि एयर ब्रेक में थे वही है, यहां पे ऊपर जाके फिर से होगा लेंथनिंग ऑफ आर्क, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क, कूलिंग ऑफ आर्क। तो ये इस तरह से ठंडा होगा, है ना। यहां से हाई प्रेशर गया और यहां पे बीच मीडियम में क्या आ गया, हाई प्रेशर, जो कि फिर ये हाई प्रेशर एयर जो कि यहां पे फिर से आर्क को बनने नहीं देगा, है ना। तो है तो बहुत अच्छा, लेकिन चूंकि गैप ज्यादा नहीं बनता है, गैप बहुत कम रहता है, इसलिए ये जनरली 15 किलो वोल्ट तक के लिए सुटेबल है कि गैप इतना बन रहा है और एयर प्रेशर इतना है कि 15 किलो वोल्ट तक इसको यूज करें। जबकि एक्सियल में इसके कंपैरिजन में चूंकि गैप ज्यादा बनता है, डिस्टेंस ज्यादा होता है फिक्स्ड और मूविंग के बीच का, तो उससे क्या होगा कि ज्यादा बनेगा तो हायर वोल्टेज पे वो आयोनाइज कर पाएगा, है ना। तो उसके कारण फिर क्या है कि आपका हायर वोल्टेज पे आयोनाइज कर पाएगा, तो उससे ये होगा कि हायर वोल्टेज के लिए हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो ये क्रॉस ब्लास्ट का कुछ इस तरह से है, एयर यहां से इन करता है और यहां पे आर्क को ऊपर ले जाता है, लेंथेन करता है आर्क को, और आर्क लेंथेन भी होगा, स्प्लिट भी होगा, कूल भी होगा, और आपका आर्क पंच होगा और फर्दर आर्क बनेगा भी। तो ये है क्रॉस ब्लास्ट है। तो हमने एक्सियल ब्लास्ट और क्रॉस ब्लास्ट टाइप दोनों टाइप के पढ़े। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वायल सर्किट ब्रेकर्स, ठीक है। थैंक यू।